नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ट्राइमोजी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीसी सखी में और बैंक सखी में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक कमेंट भी किया था कि सर हमें ये बताइए बीसी सखी और बैंक सखी में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि बीसी सखी और बैंक सखी में क्या अंतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज की वीडियो में बात होने वाली है बैंक सखी और बीसी सखी के अंतर के बारे में। तो आज की वीडियो में दो पार्ट में बांटने वाला हूं, जिसमें एक पार्ट होगा बीसी सखी के बारे में और एक दूसरा पार्ट होगा बैंक सखी के बारे में। तो चलिए आज का सबसे पहला पार्ट उठा लेते हैं बीसी सखी के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बीसी सखी कौन होती है, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपके गांव में कोई समूह चल रहा है, कोई भी समूह ब्लॉक की तरफ से समाज की सेवा के लिए चल रहा है या फिर अपनी लाभ के लिए चल रहा है, तो जो समूह में सखियां होती हैं, जो समूह में सखी होती हैं, उनको बीसी सखी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा अंतर है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके गांव में अगर समूह चल रहा है, तो समूह में जो मतलब सखी होंगी उनके ऊपर, मान लो आपके गांव में 10 समूह चल रहे हैं, तो 10 समूह में एक हेड समूह सखी बना दी जाती है। जो हेड समूह सखी होगी, मान लो उसके नीचे 10 समूह चल रहे होंगे, तो उसी को बीसी सखी कहा जाता है। जैसा कि बीसी सखी को आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, सरकार ने जो इस समय वैकेंसी निकाली है वो बीसी सखी के लिए ही निकाली है। मान लीजिए आपके गांव में अगर 10 समूह चल रहे हैं और 10 के 10 समूह में कोई ना कोई बीसी सखी ऑलरेडी है हर समूह में, लेकिन 10 समूह की 10 लीडर अलग होती हैं और 10 समूह में जो सबसे ऊपर लीडर होती है, यानी कि जो 10 समूह का संचालन देखती है, उनकी देख रेख में जो सारा काम होता है, उसको बीसी सखी कहा जाता है, उसको बीसी कोरस्पोंडेंट कहा जाता है। उसी के लिए सरकार ने ये वैकेंसी निकाली हुई है। यानी आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं 10 समूहों के ऊपर जो सबसे सीनियर लेडीज बना दी जाती है, होती वो उन समूह में से ही है, उसको चुन दिया जाता है। उसको आप चुन सकते हैं कि ये हमारी बीसी सखी हैं, तो आप किसी को भी चुन सकते हैं, रीमा, सीमा, भागवती, किसी को भी आप चुन सकते हैं उनको। अगर आप मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया, उसमें से आपने एक किसी लेडीज को ये पद दे दिया कि मैं ये हमारे ग्रुप की बीसी सखी हैं और इनके नीचे ही अब जितने ग्रुप बनेंगे वो सब इनके नीचे ही बनेंगे, इनकी देखरेख में ही बनेंगे, तो उस कंडीशन में आप उनको बीसी सखी कहेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये बीसी सखी क्या होती हैं। एक होती हैं जो ग्रुप सखी होती हैं और ग्रुप के ऊपर जो जो सब ग्रुप का संचालन देखती हैं वो बीसी सखी कहलाती हैं। अब दोस्तों दूसरा पार्ट इसमें उठा लेते हैं। दूसरा पार्ट आता है बैंक सखी, यानी बैंक सखी क्या होता है। तो बीसी सखी का जो फुल फॉर्म होता है, यानी जो बीसी का फुल फॉर्म होता है, बैंक कॉरेस्पोंडेंट होता है, यानी कि बैंक सखी ही बीसी सखी होती है। अब बीसी सखी और बैंक सखी में अंतर क्या है, तो हम बात कर रहे हैं इस समय बैंक सखी यानी दूसरे पार्ट के बारे में। तो बैंक सखी का जो काम होता है, आपके पैसे का संचालन करना होता है। अगर आप सीधी भाषा में समझें, आपके गांव में, मान लीजिए आपका यूपी में कोई सा भी गांव है, हर गांव में आजकल जनसेवा केंद्र खुले हुए हैं, जनसेवा केंद्र खुले हैं, जो लोग लाइसेंस लेके काम करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक की सब ब्रांच खुल गई है, पीएनबी की सब ब्रांच खुल गई है, छोटी छोटी जो गांव में खुल जाती हैं उनको बीसी कहते हैं, यानी वो भी बैंक कॉरेस्पोंडेंट होते हैं। उनका काम होता है बैंक की टोटल सर्विस ग्रामीणों तक पहुंचाना, जहां तक बैंक नहीं पहुंच सकती वो सारी सर्विस आम लोगों तक पहुंचाना, जिससे उनको थोड़ी सी कमीशन मिलती है और उनका उससे खाना पूर्ति चलती रहती है। कह सकते हैं एक तरह की कि ये जॉब है, अगर वो जितना काम करते हैं उतना उनको पैसा भी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं बीसी सखी और बैंक सखी में क्या अंतर है। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया, अब बात कर लेते हैं इसमें एक छोटे से डिफरेंस के बारे में। तो बीसी सखी और ऑलरेडी बैंक सखी, इन दोनों का काम एक ही होता है। अब सरकार ने इसमें क्या किया है,
जो पहले सरकार इंडिविजुअल ग्रुप चलाती थी, उन ग्रुप में अगर मान लीजिए 10 ग्रुप हैं और उसमें 100 महिलाएं, तो करीब उसमें 10 BC सखी होती थी, और वो 10 की 10 सारी अपना चलाती थी। मतलब कोई भी अगर किसी की बात पे सहमति नहीं हो रही है तो बैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और उनके ग्रुप में भी बहुत सारी समस्या आती थी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया एक गांव में हर एक ग्राम पंचायत में, चाहे 10 समूह है, 15 समूह है, 20 समूह है, वहां पे सरकार की तरफ से एक बीसी सखी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी कि एक सखी जो होगी उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा अपॉइंट वही होगी। उनको अपॉइंट करने के बाद जितने भी ग्रुप संचालन हैं उन सबके ग्रुप के ऊपर वो काम करेंगी, और उनको काम क्या करना होगा, उनको ग्रुप में काउंटिंग, पैसे जमा करना निकालना, उनको सेवा मुहैया कराना, उनको जब भी मदद की जरूरत पड़ रही है बैंक से बात करके उनको पैसे दिलवाना, ये सारा काम उनका होगा। अब इसमें बैंक सखी का भी काम वही करेंगी, और वो कैसे करेंगी, अगर वो चाहें तो अपने ही ग्राम पंचायत में, अपने घर में या अपने शॉप में कहीं एक छोटा सा ऑफिस खोल सकती हैं, और सरकार उनको किसी भी बैंक की ब्रांच दिलवाने में मदद करेगी, यानी कि सब ब्रांच दिलवाने में मदद करेगी। जब उनको वो सब ब्रांच का कोड मिल जाता है तो वो अपने घर से ही बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करेंगी, यानी कि वो ग्रुप भी चलाएंगी और पैसे का लेन देन भी करेंगी। जैसे कि जनसेवा केंद्र पे होता है, आप आधार कार्ड से कहीं पैसे निकालने जाते हैं, तो वही काम अब बीसी सखी करेंगी, और वही काम उनको ग्रुप संचालन में भी करना होगा। तो जिसको मान लीजिए 10 रुपए हफ्ते आप जमा कर रहे हैं, वो सारा काम वो एक छोटा सा ऑफिस भी बना सकती हैं, वैसे भी काम कर सकती हैं और ग्रुप बना के भी काम कर सकती हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे काम करेंगी। तो सारी जानकारी आपको इसमें शायद मिल गई होगी, आशा करता हूं आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। और छोटी सी एक भाषा में अगर समझा जाए तो आप ये समझ ले कि अगर जनसेवा केंद्र में कोई काम कर रहा है तो वो भी एक बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट है, अगर आपके गांव में कोई खाता खोलने आता है तो वो भी एक बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। वही चीज सरकार ने निकाली है, क्योंकि बैंक उनको कोई कमी कोई भी तनख्वाह नहीं देती, वो सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं। इसलिए सरकार ने भी यहाँ पे एक शर्त रखी है, अगर किसी बीसी का सिलेक्शन होता है तो बैंक उनको सिर्फ 6 महीने तक 4,000 रुपये पे करेगी, उसके बाद नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद उनके पास इतने सारे खाते हो जाएंगे, इतने सारे खाते हो जाएंगे, लगभग लगभग मैं मानता हूँ 1,000-1,500 खाते वो आराम से कर सकते हैं, 1,000-1,500 खाते, और ज्यादा भी। अगर एक उनमें एक सुविधा और हो जाएगी, कोई भी गाँव का कोई भी बंदा अगर उनमें उनसे खाता खुलवाना चाहता है तो वो कैजुअली भी, सिर्फ वो ये नहीं कि ग्रुप में रह के खाता खुलवाएगा, वो कैजुअली भी खाता खुलवा सकता है, तो ये सुविधा भी उनको साथ में दी जाएगी। तो ये काम बीसी सखी और बैंक सखी दोनों का होगा, यानी कि बैंक सखी और बीसी सखी का एक ही काम होगा, मतलब बैंक सखी और बीसी सखी होंगी एक ही, लेकिन वो दो तरीके से काम करेंगी, वो पर्सनली बैंकिंग वर्क भी करेंगी और ग्रुप वर्क भी करेंगी, और जो कैजुअली मुहैया चीज करानी होगी वो भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने गांव में एक ग्रामीण हूँ, तो मेरे को अगर खाता खुलवाना है लेकिन मेरा किसी ग्रुप से संबंध नहीं है, लेकिन बीसी सखी मेरे गांव में बैठ रही है, तो मैं उनसे खाता खुलवा सकता हूँ, उसमें पैसे जमा कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ये सारी सुविधा मैं उनसे ले सकता हूँ अपने आधार कार्ड के द्वारा। तो ये सारी सुविधा बैंक सखी द्वारा हमको दी जाएंगी, बीसी सखी द्वारा हमको दी जाएंगी। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी ये कमेंट किया था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल पे, मैं उनको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन मुझसे किया और मैं उसका जवाब दे पा रहा हूँ। आई होप मैं इसका सही जवाब दे पा रहा हूँ। अगर आप भी आप संतुष्ट ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट दोबारा कर सकते हैं आप, ताकि आप संतुष्टि से और अच्छे से कोई जवाब ले सकें। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आज की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।